history was wrong. हेलो, हाँ आप कौन बोल रहे? हाँ नमस्कार, हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे? हाँ मैं बोल रहा था वो काशीनाथ, जो आपको मैंने व्हाट्सएप से ये भी कर रखा है। हाँ अच्छा, मेरी दवाई चल रही थी वैसे चलाई है मैंने, अब मुझे छोड़ने के लिए मुझे आप काउंसलिंग करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं आपको 500 रुपए का ये रिचार्ज भी करके बात करूंगा बाद में आपको, ये करने के लिए मैंने आपसे बात किया। आप बिल्कुल सही हो गए अभी। हाँ बिल्कुल सही है, बस एक बार जाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखिए सर, लोग एक बार जाए, दो बार जाए, तीन बार तक नॉर्मल है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, एक बार में हो जाए या नहीं हो जाए नॉर्मल हो। हम आईवीएस वालों को छोड़कर बाद बाकी के इंसान भी एक बार, दो बार या तीन बार भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक, बस उसको देखना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं, हुआ हुआ नहीं हुआ, 10 मिनट वहाँ पे आराम से बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, हुआ हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं है। हाँ, शाम को होगा। लेकिन सर दवाई जब छोड़ता हूँ ना, तब मुझे थोड़ी सी उसकी हैबिट होने के कारण ऐसा लगता है कि धड़कन तेज हो गई, घबराहट हो गई, एकाएक नहीं छोड़ रहा। एकाएक नहीं छोड़ पाएंगे, और मैं उसका तरीका बताऊंगा, 2-3 महीने लगभग लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे, हर 15 दिन की आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं हर 15 दिन का आपको क्लास दे दूंगा। हाँ, और दवा भी होम्योपैथिक वगैरह बता दूंगा। और अच्छा, अच्छा, आपकी अच्छा। आपकी उम्र क्या है? मेरी 42 उम्र है। 42, तो आपसे एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है, पाँव पकड़ के कि 5 मिनट का एक वीडियो बनाए, अपना पूरी कहानी जो स्टोरी है, और कितने साल से आप बीमार थे, क्या हुआ था नहीं हुआ था, और कहाँ कहाँ दिखा, किसके डॉक्टर के पास गया, कि आपकी जिंदगी कैसी बन गई थी, और अभी आपका आप कितने खुश हो कि नहीं हो, और ये कौन कौन डॉक्टर को दिखाया, क्या क्या लक्षण देखे, क्या क्या टेस्ट करवाया, क्या क्या दवा खाया, कितने साल से बीमार थे, और विकास भाई से कैसे बात हुआ, विकास भाई ने बिल्कुल कैसा आपके साथ अच्छा रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया, और बिल्कुल आज आप ठीक हो कि नहीं हो। हाँ अगर ठीक हो तो बताइए, मैं बिल्कुल 100% ठीक हूँ। अब मैं उनसे दवा छोड़ने के तरीका मैं सीखने जा रहा हूँ, उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक दवा। अब एक बात बताओ, मैं आश्रम में था, मैं आपसे चोरी घर से और इन लोगों से चोरी चोरी आपसे बात करके मैं जानता हूँ दवाई खाई है। मैं जानता हूँ सर कि आईवीएस वाले शर्मीले होते हैं, वो लैटिन जाते हैं। मैंने आपकी दवाई यहाँ सबको नहीं बताई, चोरी चोरी खा के ठीक हुआ हूँ, और अगर ऐसे बताऊंगा तो कहेंगे पैसे तो उसने खर्च किए, एक तरफ से दवाई खा रहा था और एक तरफ से ली, ये बदनामी मेरी भी हो जाएगी। सर मैं आपके पैर छू के हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका विश्वास, मन से आपका विश्वास देता हूँ, लोगों को अपने मुंह से बताऊंगा, वीडियो ना बनाते हुए भी भगवान की कसम मैं सबको ये बताऊंगा कि विकास भाई से ठीक हुआ। लेकिन मेरी ये बात, ये एक विनती है कि मैं आपको 500 रुपए में भेज रहा हूँ, और आप मुझे ये कम से कम 1 हज़ार भेजिए सर, 1 महीने का 1 हज़ार भेजिए प्लीज। सर सुने सर मेरी हालत पे जाओ, मैं बहुत इंतजाम करके कर रहा हूँ, प्लीज सर। अगली बार पाँच सौ। आपकी बातों से सहमत हूँ, 500 में ही मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, मेरी फैमिली है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन सर, आपके बीवी बच्चों को दुआ लगे, परमात्मा आपको खुश रखे, आपको सारी दुनिया की खुशियां आपके चरणों में दे। आप लोग, आपने मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद। कितने साल से बीमार थे सर आप? मैं था 1 साल से। हाँ 1 साल से। और कितने महीने दवा खाए और आप बिल्कुल? हाँ ये मैंने पाँच छह महीने दवा खाई है। और बिल्कुल 100% स्वस्थ है ना? 100% सॉफ्ट, कभी कभी तीखा और तेल तला हुआ खाता हूँ तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। वो तो हर इंसान को होता है। अच्छा, वो तो हर इंसान ज्यादा तीखा तेल और मिर्ची खाएगा तो वो तो होगा ही। हाँ, लेकिन खाने से पहले सोचे नहीं कि मैं खाऊंगा तो मेरे को पेट खराब होगा। देखो मेरी आवाज रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं क्या क्या बोलना बोल देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये है कि 5 महीने में 6 महीने में बिल्कुल 100% स्वस्थ हो गया ना? हाँ जी। आपका नाम क्या है, पूरा नाम?
मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ क्या? विश्वनाथ शर्मा। कहाँ, दिल्ली में रहते हो? हाँ जी, दिल्ली में। कौन से मठ में काम करते हो? जी मैं आश्रम में रहता हूँ। आश्रम वालों को भी नहीं बताया मैंने कि आपकी दवाई चुरा के खाई है और आपको ये कौन सा, ये कौन सा आश्रम है, किस बाबा का आश्रम है? ये आशुतोष महाराज जी का। आशुतोष महाराज जी का ना? हाँ। ठीक है, तो आप से विनती करूंगा कि आप आशुतोष महाराज जी को अगर भगवान मानते हैं तो उनको, हाँ जी, हाँ जी, उनको ही कम से कम सुबह आधा एक घंटा और शाम को आधा घंटा बिल्कुल उनके भक्ति में लीन हो जाए। और अच्छा अच्छा अच्छा। और देश दुनिया, अपने सुख दुख, अपने परिवार, मोह माया, धन दौलत सबको भूल के और कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे के लिए और बिल्कुल लीन हो जाए, तो लीन हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक पेड़ को भी भगवान मान सकते हैं। आप क्या नाम बताया आपने, बाबा जी का नाम क्या बताया? सत्यनारायण सर्वश्री आशुतोष महाराज। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उनको ही भगवान मान के और आप उनके भक्ति में, उनके चरणों में बिल्कुल मतलब लीन हो जाए, सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे के लिए, चाहे उनका तस्वीर के सामने ही। ठीक है, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। आप मुझे फिर वो होम्योपैथी के मैं थोड़ा दवाई से तंग आ चुका हूँ। जैसे अचानक छोड़ता हूँ ना, अचानक छोड़ता हूँ तो मेरी धड़कन से और घबराहट सी हो जाती है, ये दवाई मुझे लेना ही पड़ता है। एक नहीं छोड़ सकते, इसके लिए आपको मेडिटेशन सही से, जैसे एक घंटा बताया ना कि सुबह में आशुतोष जी महाराज और शाम को एक घंटा सूर्य महाराज के भक्ति में लीन हो जाए, मतलब अपने आप को भूल जाए, अपनी वजूद को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, अपने धन दौलत को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए और बिल्कुल उनके भक्ति में एक घंटे के लिए सुबह, एक घंटे के लिए शाम, आधे घंटे के लिए अगर उनका आश्रम में काम करते तो बिल्कुल खाना पीना मतलब लैटरिन पेशाब सब कुछ भूल के, चेहरा कैसा है, ये कैसा है, सेक्स मतलब बीवी बच्चा धन दौलत, बीवी बच्चे नहीं है, बीवी बच्चे नहीं, सन्यासी हूँ। हाँ, तो जो कुछ है मतलब मोह माया को छोड़ के बिल्कुल एक घंटे के लिए उनके भक्ति में लीन हो जाए सुबह को और शाम को। और होता क्या है सर, पता है, जो अचानक छूट जाते हैं ना, मरोड़ आते हैं फिर और लैटरिन, मैंने एक तरीका बताया और एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज। अच्छा अच्छा। बहुत वैसे तो आपसे लेना नहीं चाहिए, आप सन्यासी लोग हैं लेकिन मजबूरी है, तीन तीन बेटियां हैं तो मजबूरी है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपसे और एक विनती करूंगा, कम से कम आपकी जो नई वाली है तस्वीर, दो चार तस्वीर आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेजें, अच्छी वाली, नई वाली, दो चार पांच अच्छी वाली तस्वीर भेजें। ठीक है, आपकी तस्वीर, आपकी जो सन्यासी वाली तस्वीर है, मेरी तस्वीर अभी देता हूँ मैं। ठीक है, 4, 5, 6, 10 जो भी हो आप भेज दीजिए प्लीज, विनती करता हूँ। पहले कितना था? धन्यवाद धन्यवाद। पहले सर 59 किलो था और मैं बिल्कुल पतला था। तो सब आपका हाइट कितना है, मतलब लंबाई कितना है? हाइट 5'5" है। हाँ, तो लगभग 70-80 तक नॉर्मल है, उसके ऊपर मत जाइए। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपने आश्रम में थोड़ा योग व्यायाम वगैरह और मतलब एक घंटा आधे घंटे सुबह मतलब मेडिटेशन ध्यान करना, शाम को ध्यान करना और थोड़ा बहुत मेडिटेशन तो होता ही है सर हमारे पास। हाँ, तो आश्रम है तो मेडिटेशन तो होता ही है, बिल्कुल उसमें लीन हो जाए और लेकिन थोड़ा बहुत व्यायाम पर भी ध्यान दे, मतलब शारीरिक कार्य पर भी ध्यान दे। ठीक है सर। और खाने पीने में सब कुछ आप लोग का तो बिल्कुल शाकाहारी भोजन मिलता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, शाकाहारी होता है। घी ले सकता हूँ सर? मतलब एक इंसान की तरह नॉर्मल, जितना मामूली से मामूली हो, कम से कम हो। ठीक है। और बस तेल मसाला ज्यादा ना। ठीक है। धन्यवाद महान। धन्यवाद। है कुछ नहीं, बस इसको भूलना पड़ता है। आप बीमार हो ये भूलना पड़ेगा, आप बीमार नहीं हो। अच्छा, आप बिल्कुल सात्विक जीवन जी रहे हो, फिर आपको किस चीज का डर? लेकिन डर अपने आप पैदा होता है सर। हाँ, मैं डरना नहीं चाहता, क्योंकि डरना नहीं चाहता लेकिन डर अपने आप पैदा होता है। हाँ, क्योंकि जन्म से आप दिल के मतलब साधु हो जन्म से ही, और दिमाग आपका बहुत तेज, यही आपकी कमजोरी है। दोनों में से अगर एक चीज मतलब दिल के आप बहुत ये हो, इमोशनल हो, भावनात्मक, बिल्कुल बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी, और दिमाग आपका बहुत तेज है।
हाँ और लेकिन यही दोनों जब बराबर टकराते हैं तो ये बीमारी होती है, ठीक है। अच्छा इसलिए अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाइए, छोटी मोटी भावनाओं पे मत भागिए। और छोटी अगर दुनिया में करोड़ों गरीब हैं, भिखारी हैं, मर रहे हैं, सब पर दया, आपकी हिम्मत है सब पर दया करने की? वो तो परमात्मा ही करेंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी छोटी मोटी भावनाओं में आप एकदम करुणामय मत हो जाइए, ठीक है। ठीक 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 और अपने दिमाग को ज्यादा मत चलाइए, जो करेगा सो ऊपर वाला, ठीक है। ठीक 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 है, आप ठीक है सर। आप आशुतोष जी महाराज को भगवान मानते हो तो उनके ही भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाए। ये दवा होम्योपैथिक और ये दोनों कंटिन्यू अभी रखें, ठीक है। ठीक ठीक और धीरे धीरे वो एलोपैथिक छोड़ने की कोशिश करें, ठीक ठीक लेकिन ठीक 1 घंटा सुबह लगभग, क्योंकि आप आश्रम में, इसलिए 1 घंटा बोल रहा हूँ, नहीं तो 15 मिनट ही बोलता हूँ मैं सबको। और 1 घंटा शाम आप बिल्कुल लीन हो जाएगा सुबह, ठीक है। ठीक 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 और ठीक थोड़ा ठीक थोड़ा शारीरिक व्यायाम करें, ठीक वही ठीक योग वगैरह होता है ना जो हम लोग का, हाँ जो हाँ 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 हम हाँ जो जी हाँ जी हाँ सनातनियों का जो योग वगैरह होता है, एक्सरसाइज व्यायाम जो होता है, ठीक हम भी पंच तत्व का मतलब समझते हैं महाशय। बहुत मेरी कम उम्र है, आपसे भी मैं बहुत छोटा हूँ, 35-36 साल का हूँ, अच्छा, लेकिन पंच तत्व का मतलब और पांच भक्त के मतलब, एक्सपीरियंस में आप मुझसे काफी बड़े हैं सर। क्योंकि बहुत कम उम्र में जब मेरी मतलब उच्च माध्यमिक में मतलब 12वीं क्लास में पढ़ रहा था तभी मेरे को बीमारी हो गई। मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, मेरी महीने के 5-7 लाख की सैलरी होती, लेकिन इस बीमारी के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, तो क्या करूं। 15 साल भुगता हूं तो यही दुनिया का ज्ञान, पंच तत्व का ज्ञान, और ज्ञान बहुत है, आयुर्वेद का ज्ञान बहुत है, बस कोई लेने अगर वाला। बीच बीच में कभी अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकता हूँ ना। बिल्कुल महाशय, हाँ हाँ आप जैसे आश्रम वालों के सहारे पे दुनिया जीवित है, हम लोग तो माया मोह बीवी बच्चा पैसा कौड़ी के मुंह में पड़े हुए हैं। कोई नहीं, वो भी सब सफल हो जाएगा। पर भगवान भी आया तो भगवान ने भी संसार किया, भगवान राम ने भी संसार किया, भगवान कृष्ण ने भी संसार किया है, योगी भी रहे हैं लेकिन संसार भी किया है सर जब उन्होंने। आईवीएस में रही था तो पिताजी ने जोर जबरदस्ती शादी कर दी, और अच्छा आज तीन तीन बेटियों का बाप हूँ, अब क्या करूँ। इन लोगों को तो मैं आश्रम में चलो। नहीं भर्ती नहीं ले जा सकता ना, पढ़ा लिखा के देखता हूँ कोई डॉक्टर बने या पुलिस बने या कुछ भी बने, बेटी है तो क्या हुआ। ठीक, कोई बात नहीं, बेटिया होगा तो क्या हुआ। लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी है, लक्ष्मी बिल्कुल बिल्कुल, बेटी नहीं, कुछ लक्ष्मी है, कुछ लक्ष्मी। अच्छा नाम कर सके तो कर सके, नहीं तो वही आप ही लोग के पास आश्रम में लेके कोई आऊंगा। नहीं, आपने ऐसे काम किए हुए हैं, लोगों को इस बीमारी से आराम दिलवाया है, आपका भला ही होगा, चिंता मत करो। बस भगवान, जैसे आप भगवान का नाम लेने के लिए कहते हो ना, सर ये आपकी सबसे बड़ी बड़ी नहीं तो बात मैं है। सिर्फ भगवान, आप सनातनी हो इसलिए मैं भगवान का, अगर आप इस्लाम से होते तो मैं आपको यही कहता कि 5 वक्त का नमाज आप सही से नहीं, 5 वक्त का तो 3 वक्त का नमाज सही कोई दिल, नहीं, दिल से लेकिन पढ़ो। भगवान का किसी ना किसी को भगवान का नाम लेने के लिए कहते हो ना, जी ये सर आपकी सबसे प्लस प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन नहीं तो लोग भगवान को गाली देते हैं, नहीं लेकिन सर आप तो भगवान को नाम लेने के लिए कहते हो, ईसा हो तो ईसा का नाम लो कहते हो, मोहम्मद पैगम्बर है तो उसका नाम नमाज पढ़ने के लिए कहते हो, हाँ, कोई पांच वक्त का भगवान नाम राम को सही, पांच मानता है वक्त तो का उसका नाम सही नाम तो लेने के तीन लिए वक्त, कहते हो। 5 वक्त का नाम सही तो 3 वक्त आप सही से पढ़ ले भाई, सही से पढ़ ले, ऊपर वाले को याद कर ले, क्योंकि देखिए हम लोग का जो पंच तत्व है और वही हमारा भगवान है, वही पंच तत्व जो अग्नि जल वायु क्षितिज और जमीन जो है, उसका छोटा रूप हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, हमारा नाक है, हमारा आंख है, और हमारी जो ये स्किन है मतलब सर मतलब चमड़ी है, ये सब क्या है, मतलब चमड़ी मतलब जमीन है, हाँ जी हाँ जी आंख मतलब आग है, नाक मतलब हवा है, ठीक 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 और जीभ मतलब पानी है, और कान कान का मतलब, कान में हमेशा एक आवाज आती है कि ओम, हल्का हल्का सा हर किसी को बिल्कुल आता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्वनि ये ध्वनि ध्वनि। तो ये ब्रह्मांड है, ओम ओम की जो आवाज आती है मतलब आसमान है, हमारा जो कान है वो आसमान है। तो यही इस्लाम में भी यही 5 वक्त की नमाज मतलब यही 5 चीजों को प्रमुखता दी गई मेरे हिसाब से, पता नहीं और लोग को क्या प्रतिक्रिया रहेगा इस पर। ठीक है महाशय, धन्यवाद, करता हूँ मैं आपसे बीच में कभी कभार। हाँ जैसे बिल्कुल कुछ अगर बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल, हो मैं बात करता आप लोगों के
आशीर्वाद के सहारे विकास गुप्ता को आज छूने वाला कोई नहीं। ठीक ठीक है महाराज, धन्यवाद। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे?